हेलो एवरीवन, मुस्कान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन फोर टाइप के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो हेटरोट्रॉप्स, कैमो ऑटोट्रॉप्स एंड कैमो हेटरोट्रॉप्स। इन चारों मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया में ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। हर टाइप के बैक्टीरिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड फोटो हेटरोट्रॉप्स, और नेक्स्ट वीडियो में कैमो ऑटोट्रॉप्स और कैमो हेटरोट्रॉप्स को हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड फोटो हेटरोट्रॉप्स क्या है। फोटो ऑटोट्रॉप्स में ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने फूड को बनाते हैं। इट मींस जैसा कि सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस का जनरल प्रोसेस क्या होता है, तो आज हम देखते हैं जैसे कि बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, सन लाइट को उनमें उनके सेल में ऐसे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जैसे कि प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। क्लोरोफिल एक टाइप का पिगमेंट होता है और ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ बैक्टीरिया के केस में क्या होता है कि ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। इस रिएक्शन में होता ये है कि क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और CO2 को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस कर देता है, और यहाँ पे जो H2O है मीन्स वाटर, वो एज अ एनर्जी सोर्स यूज होता है। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में वर्क करता है जिससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं। ये फोटो ऑटोट्रॉप्स के केस में होता है, बट फोटो ऑटोट्रॉप्स के दूसरे भी टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं बट उनमें फ्री ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता है, वो नहीं करते। क्योंकि क्या होता है कि जो वाटर है वो इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में वर्क कर रहा था, बट जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं उनके केस में ये होता है कि वाटर के जगह पे जो अदर सब्सटेंसेस हैं वो यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन यूज नहीं करते हैं और उसे एरोब्स कहते हैं, उस टाइप के बैक्टीरिया को। और ऐसे जो फोटोसिंथेसिस है जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं उन्हें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उन्हें एटमॉस्फेयर से मिलता है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के एग्जांपल हैं थियोपीडिया रोसिया एंड थियोस्पिरिलम, एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के एग्जांपल है क्लोरोबियम लिमिकोला और क्लोरोबैक्टीरियम। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है इनके इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में, जिसे थायलाकॉइड कहते हैं। ये बैक्टीरिया जो है वो एनर्जी को सल्फर कंपाउंड से ऑब्टेन करते हैं। एंड देन जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड को एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर यूज करते हैं, और लाइट एंड पिगमेंट के प्रेजेंस में इनका रिएक्शन होता है, और ये इनका जो पिगमेंट का जो कलर है वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल की जगह से कन्वर्ट होकर के बैक्टीरियो विरिडिन में चेंज हो जाता है। देन नेक्स्ट इज फोटोहेटरोट्रॉप्स। फोटोहेटरोट्रॉप्स बैक्टीरिया में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो हैं वो ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ कार्बन सोर्स यूज नहीं करते हैं।
जैसे कि फोटो ऑटोट्रॉप्स में वो कार्बन सोर्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, एल्कोहल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, जो इनके ऑर्गेनिक फूड के रूप में अवेलेबल होते हैं। और इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एनवायरनमेंट से मिलता है, और जिनके इनके कार्बन और इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट के लिए वो सफिशिएंट होता है। इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया हैं वो रोडो स्पिरिलम हो गए, रोडो माइक्रोबियम, रोडो शिडोमोनास, टैल्यूस्ट्रीस एक्सेट्रा इसमें आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़।